हाँ नहीं बट एटलीस्ट यार, हाँ या एटलीस्ट इतना होना चाहिए यार आपको ना, आप हाँ 5 साल बाद जब कुछ देखे ना पलट के अपना कंटेंट, तो ऐसा ना हाँ हो यार छी मेरे बच्चे ना गए भैंस बाप मारा क्या करता था भोसड़ी का चूतिया था ये मेरे बच्चों को यार कोई हैरेस ना किया ना करे ना उनके स्कूल में, देखो भोसड़ी के तुम्हारा बाप गंडी ये देखो इसको, तो वो सब ना करे एटलीस्ट इतना होना है कि लोग 5 साल बाद 6 साल बाद मेरे बच्चे जवान होंगे तो देखे तो बोले हाँ भाई ठीक है बाप मजे कर रहा था या फिर साला। वो बोले कि क्यों कर रहा था ऑल्सो, कि हमें कहाँ हाँ फेमस कर दिया फालतू में हाँ वर्ल्ड वाइड। हाँ लोग रियलाइज नहीं कर रहे सब चीजें ना कि ये चीजें 10 साल 15 साल भी रहेंगी यहीं पे ठीक जिंदगी भर रहेंगी है जिंदगी भर जिंदगी, रहेंगी। या हाँ आपके बच्चे भी होंगे यार, लोगों ने अपने माँ बाप इन्वॉल्व कर लिए, उनके माँ बाप नाच रहे हैं उल्टा सीधा कुछ कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है पर्सनल चॉइस है, बट यार जो चीजें एक टाइम पे नहीं होती थी ना, मतलब अपनी बीवी ना दिखाना, अपने पर्सनल मतलब बीवी स्वागरात के बैठ दिखा रहे हैं लोग, मतलब बेड इज कुछ ओके यार, इट्स जस्ट अ बेड यार, यार तुम अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में खोट है फिर बीवी रेडी होके आ रही है वो गाउन में वो दिखा रहे हैं यार, ब्रो, तो तो पिक्चर में दिखा देते वो दूध लेके आती थी हाँ यार, वीडियो तुमने कट कर दिया ना राइट टाइम पे तो वो वाला मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि मैं नहीं स्वागरात दिखा तो सकता। बहुत होते हाँ एक पूरा ही है कैसी रही स्वागरात ऐसे करके लोग था, एक मैंने रोस्ट बनाया था उस पे। क्या बात है भाई, यार मैं यूं कंटेंट कह है रहा हूं बच्चा बस निकलते हुए नहीं दिखा रहे, वरना या बीवी लेबर पेन में पड़ी है और उसके कट लगने लग रहे हैं वो भी ब्लॉग है, बच्चा निकल के आ गया बिल्कुल वो गीला गीला सही है वो भी ब्लॉग में ही है, वो जो होता है ना तभी तभी बिल्कुल फ्रेश ठीक है, जबकि हमारे यहाँ माना जाता है कि बच्चे को 7 या दिन कुछ दिन तक दिखाना नहीं होता किसी को ना, ऐसे दिखाते नहीं है और हर किसी के हाथ में भी नहीं देते, जैसे अगर आप ना चिड़िया का अंडा ना हाथ में ले लो तो बोलते हैं हतला जाएगी, चिड़िया उस बच्चे को पालती नहीं है हाँ उसको लगता है तेरा नहीं है, तो इसीलिए ना छोटे बच्चे को भी 7 दिन तक इतने ज्यादा लोग गोद में नहीं लेते थे और कपड़ा लगा के लेते थे, ऐसा लेना भी नहीं होगा चाहिए, बहुत लेना छोटा बच्चा होता भी नहीं है, चाहिए। बहुत छोटा हाँ बच्चा होता है, भाई बिल्कुल 7 साल, हड्डी कुछ इतना सा भी होता दब है। गया उसका कुछ हो गया तो हाँ हाँ, तो अब हमारे यहाँ होता है यार बच्चे को तुम उल्टा लेटा दो ना 7 8 दिन शुरू के छाती दब जाती है उसकी। उल्टा लेटाना भी नहीं चाहिए, वन ऑफ द हाँ हाईएस्ट कॉजेज और ऑफ डेथ बच्चे के उल्टा लेटाना होता है, बट गो ऑन। मेरी दादी ने एक तकिया बनाया हुआ था सरसों का वो भरा हुआ था, वो सर के नीचे रखती थी जब हम छोटे थे ना, बताती थी मैं पूछा था मैं क्या है, क्योंकि सर की शेप राउंड ही रहे जिससे बेड पे वरना चपटे हो जाए, बहुत लोगों के सर होते हैं जो चपटे रहते हैं, तो इतनी केयर। और आज क्या हो गया कि पहले दिन ही फेस दिखा रहे हैं बच्चे का व्यूज के लिए, मतलब वो बच्चा जब बड़ा होगा उसके दोस्त क्या कहेंगे, देख तेरी माँ लेटी हुई थी तू निकलने वाला था घोसड़ी के होगा ना कभी ना कभी, सही बात, एक एज तो आएगी ना जब बच्चों दोस्त मिलेंगे सब हाँ मिलेंगे बिल्कुल ये सब, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 100%। देख देख तेरी माँ तेरा बाप हाँ स्वागरात में, तभी हाँ वो है उस हाँ दिन से 7 महीने लगे थे फिर तुझे होने सही में बात, देर हो, सही बात। तो प्लस थोड़ा वो सा बच्चा कभी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगा, नहीं एवर जिएगा। सिंस बर्थ आपने दुनिया को दिखा दिया आपका बच्चा कौन है, यानी कि अब वो बाहर जा नहीं सकता विदाउट पीपल नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन। शहर का बनिया अगर 5 करोड़ रुपए पे आईटीआर भर देना, मान ले 2 4 5 लाख की या 10 की, वो स्कूटी पे घूमता है जाने के फटी हुई चप्पल पहन के बच्चों को बाहर के शहर भेज के, उससे पूछ लो ना अंकल काम क्या चला है, बेटे आपकी दुआ है चौधरी साहब आप हो तो हम हैं, आपसे तो डर के रहना पड़ेगा, ऐसे रहता है बनिया। यहाँ लोग दिखा रहे हैं मैं बीएमडब्ल्यू ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ, अपना बच्चा भी दिखा रहे हैं जिसको कल स्कूल जाना है, हाँ सही बात, मेरा मेरा बाप बचपन में ही बोलता था जब 10 बीघे ज्यादा जमीन खरीद ली ना कि कोई तेरे को स्कूल से लेने आया ना बोले पापा ने बुलाया तो जाना नहीं साथ में उसके, स्कूल बस से ही आना है, क्योंकि घबराते थे कि लोगों ने देख लिया 10 बीघे जमीन खरीदी है कभी इन पे पैसा आ रहा है कभी अपहरण हो जाए कुछ हो जाए, आज डर ही नहीं रहे लोग, मतलब तुम्हारे बच्चों को वैसे भी कितना थ्रेट है ना, लोगों को पता है तुम इतना पैसा कमा रहे हो यूट्यूब से, तुम्हारा बच्चे तुम दिखा रहे हो कौन से स्कूल में छोड़ने जा रहे हो उसको, तुम्हारी गाड़ी का नंबर पता है सब पता है, तुम्हारा बच्चा किस टाइम स्कूल से भाग आता है, तुम्हारे घर का गेट खुला पड़ा है सब बता देते हैं, मेरा घर इस गली में ये किसी को चोरी करने आना हो तो आ जाना। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं कॉन्टेंट, बट वाओ इससे बहुत भयंकर वो है, इसके तुम्हारे जो इफेक्ट है ना, बड़े बच्चे की पूरी जिंदगी आपने एक तरह से, मैं बताऊँ मतलब बोलनी चाहिए बट आपने लगा दी है उसकी लाइफ के, लगा दी हाँ है, वो एक सत्य है इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है। वैसे वाला बचपन तो जी नहीं पाएगा जैसा हमारा बचपन तो था। आपने छीन लिया बच्चे का, दूसरा आपने उसको एक 2 साल की उम्र में, जिसका ब्रेन अभी केले जितना दिमाग होता है केले में उतना है, बच्चा बस 2 साल में समझ ले ऐसा होता है कि उसको ये पता है कि दो हीरो हैं दुनिया में, एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, ये दो हीरो हैं,
जो ये कहेंगे, जो ये करेंगे, वही वो सब कुछ है। तो यार, अगर एक आपका मूवी और बाप ये है। कह रहा है ना, ये है, इधर देख, हाँ, आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हो कि जितना मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। एक यूट्यूबर है, उसका बेटा है 5-6 साल का। मैं उसका एक ब्लॉग देख रहा था, उसकी मम्मी पता है क्या कह रही, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैं सपोज मत गोलू दे नाम मत दे। है। हाँ हाँ, तो वो कह रही कि अरे गोलू देखो आज क्या बोल रहा है, तो कह रहा पापा आज हम रील ही बनाएंगे, तो वो कह रहा नहीं बेटे आज नहीं बनाएंगे, कह रहा अरे 1.5 लाख व्यूज ही नहीं आएंगे, लाइक्स ही नहीं आएंगे आज तो पापा के फॉलोवर ही। मैं कह रहा हूँ यार वो बच्चा ट्रेन हो चुका उस चीज के लिए, मतलब उसका रूटीन पता क्या है, उसके रूटीन में वहां पे गवर्नमेंट फील्ड जैसे हमारे यहाँ था, बड़े स्कूल पे जाके क्रिकेट खेलना नहीं है उसके रूटीन में, उसके रूटीन में चप्पल वाला गेम खेलना नहीं है, उसके रूटीन में रील बनाना मम्मी पापा के साथ, उसको क्योंकि लाइक माँ बाप सभी का से। प्यार ऐसे मिलेगा ना, तू समझ उसका दिमाग वायर क्या कर रहा है रियलिटी को। प्यार जो हर इंसान चाहता है, दुनिया, समाज, लोग करें, दोस्त तो बने, मुझे उस पसंद करें, कंटेंट क्रिएशन उसका पैशन नहीं है ना, वो तो उसका अब सर्वाइवल अब बन गया, सर। हाँ सर्वाइवल हाँ उसका वो है इंस्टिंक्ट अब। जैसे ठीक, हमने उस मजे में शुरू किया, वो उस मजे में थोड़ी शुरू कर रहा है ब्रो, उसको। जब तुम 2-3 साल के बच्चे को सिखा रहे हो चीज, एक होता है 15 साल में फोन हाथ में लगा तो लोग एडिक्ट बन जा रहे हैं, ऐसे सोच। तू 5, 2, 3 साल में बच्चे को बता रहा है कि ऐसे परफॉर्म करो, तुम्हें कैसा लग रहा है यहां पे, ये देखो वो देखो, बच्चे को क्या दिखा रहे हो तुम, ये क्या है, उसको समझ में आ रहा है? जब जब तुम्हारा, मैं सोचता हूँ जब इनका डाउनफॉल आएगा तो उस बच्चे को भी तो मेंटली अफेक्ट करेगा ना वो। अरे वो बच्चे के लग गए, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, लेकिन अभी नहीं दिखने वाला, वो उसके एडल्ट लाइफ में लगे हैं, तुमने रिवायर कर दिया बच्चे को, देखो जो डैमेज था वो हो गया। एक साइंस नाम की चीज होती है और एक होती है रिसर्चेस, और एम्पेरिकल रिसर्च जब इतनी ज्यादा जब बता रही है कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है भाई, साइकाइट्री पूरा हाँ सब्जेक्ट है, इसमें चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट की जॉब होती है एडल्ट को ट्रीट करना, नहीं सिर्फ चिल्ड्रन को, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो। तुम अगर उसमें कह रहे हो कि उसमें कोई अहमियत नहीं है और इतनी छोटी सी चीज आ रही, कैमरे पे तो लग रहे हैं, क्या बुराई है, अरे बच्चा खेल ही तो रहा है, अरे बच्चा कैमरे पे तो ये कर रहा है, अगर तुम्हें लगता है इतनी छोटी चीज है, देखो क्या होगा। इन्हें किसी को भी समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, बट उस बच्चे की जिंदगी में शादी, रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम, अप्रूवल, नार्सिसिज्म, ये सब चेंज कर दिए आपने, उसके वायर कर दिए। हाँ ब्रो एक बात सिंपल सी समझ, जिससे मुझे लाइक्स मिले ये नार्सिसिज्म है, भरपूर हूं मैं कि मुझे लोग प्यार करें, मैं, ये नार्सिसिज्म होता है। तुमने बच्चे को 2 साल में ट्रेन करना सिखा दिया कि बेटा जिसमें जब खुशी मिल रही है तो पापा खुश हो रहे हैं, मम्मी खुश हो रही है, क्या फुटेज मिली, उसका प्यार मिलने का, बच्चे का प्यार का सबसे पहला लर्निंग एजुकेशन हुई है कैमरे से। मैंने अच्छा बात बोली, पापा ने मेरे को कहा कि वाह हाँ, पापा ने अच्छा रिएक्ट दिया। अबे 2 साल का 3 साल का बच्चा तो अपने माँ बाप को भगवान मानता है, फिर तुम समझ नहीं रहे हो किस लेवल पे तुमने ट्रेन कर डाला बच्चे को, वो बच्चे के लग गए, बहुत बड़ी बात होगी, रेयर एक्सेप्शन होगा कि वो बच्चा स्टेबल निकले। चाइल्ड एक्टर्स पे दबा के डेटा है, चाइल्ड एक्टर्स बारे सुनो ना, हॉलीवुड में जो होते हैं हमारे, किस लेवल की उनकी जिंदगी पिली भी होती है, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है जो स्टेबल रहते हैं। यार आज मैं अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों के अलावा दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को यही फील होता है कि शायद या तो ये कोई फायदे के लिए होगा, या इसको भी कंटेंट क्रिएट करना होगा, या ये इसको लग रहा होगा ये फेमस है इससे दोस्ती कर लूं, या ये पैसों के लिए होगा। लेकिन जब वो बच्चे होंगे ना, उन बच्चों के जब स्कूल में दोस्ती होगी जो बहुत जरूरी है, तो कैसे मतलब उन वो भी तो वही बच्चे अट्रैक्ट कर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, या तो जो उनको देखते होंगे या किसी का माँ बाप हंड्रेड कह गया परसेंट आप ये सेलिब्रिटी उसकी बना दिए बेटी है। उसको, अब हाँ उसको जिंदगी भर सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलने वाला है, और वो अब वो वो डिमांड भी करेगा कि मैं ये हूं, मैं तुम लोग जैसा नॉर्मल नहीं हूं, क्योंकि उसका टीचर ऐसे रिएक्ट कर रहा होगा क्लास में। भाई उसका स्कूल तो में टीचर टेंथ भी क्लास के, उसी सेवेंथ में। क्लास के, एट्थ क्लास के बच्चे आया करेंगे लंच में कि हमारे साथ फोटो खिंचवाओ ना, तो समझ रहे ना, वो सेलिब्रिटी होगा बे, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, पूरे स्कूल को बताओगे अरे ये इसका बच्चा है, ये व्लॉगर का। ब्रो दिस इज वेरी डेंजरस, ये अगर ढंग से देखा जाए ना तो बहुत ही डार्क फिल्म है, बहुत ही डार्क मूवी स्क्रिप्ट है ये, बहुत डार्क मूवी, इसका एंड बहुत खतरनाक है, बट भाई पैसा कमा लें, लेकिन पैसा कमा लें, पैसा यार ऐसी हर चीज कुछ है। नहीं हो सकता ना, हर कुछ नहीं हो सकता पैसे से, मतलब कुछ चीजें आप नुकसान ऐसे कर रहे हो जो जिनको पैसा भर ही नहीं पाएगा। नहीं कर सकता पैसा फिक्स, अरे चाइल्ड एक्टर्स मिलियनर्स होते हैं, मल्टी मिलियनर्स होते हैं, क्या हालत होती है वही ना, उनकी, अगर पैसा और फेम सब कुछ कर देते तो सुशांत और ये लोग ये क्यों सुसाइड करते यार, भाई मतलब बहुत बहुत हैं, एक्टर। बहुत हैं। हाँ बहुत लोग तुम्हारा हैं। जोकर था जो हीथ लेजर, ठीक है, हाँ ड्रग लेके ओवरडोज, ओवरडोज में कितनों की होती है भाई,
भरे हुए हैं भाई, म्यूजिशियन क्योंकि से लाइफ लेके में किक नहीं बचती ना इनके में, क्योंकि लोग नहीं होते हमारे जैसे, एक नॉर्मल आदमी के होते हैं रिलेशनशिप, और जैसे उसकी लाइफ वर्क करती है नहीं कि नहीं करती, आदमी फिर ड्रग्स पे डिपेंड कर जाता है उन हंड्रेड सब चीजों के परसेंट लिए। 100%। आप सब्सटेंस अब्यूज, पहली चीज़ तो तुम्हें नॉर्मल चाइल्डहुड ही नहीं मिलेगा, तुम उससे हट गए तो तुम नॉर्मैलिटी, एक नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ होता है तेरी लाइफ के, जो 5 साल से लेके जो दोस्तियां थी, खेले जो तुम इंडिपेंडेंटली कर पाए, तुझे पता नहीं है, तूने तेरे को बनाया है उन एक्सपीरियंसेस ने, तेरी पर्सनैलिटी पे, आधी चीज़ें अनकॉन्शियसली आधी चीज़ें कॉन्शियसली, तुमने उनको सारी चीज़ों को अब स्क्रिप्ट कर दिया है, और वो तुम्हारे जो तुमने स्क्रिप्ट किया उसकी वजह से अब वो सारे एक्सपीरियंसेस नेचुरल नहीं होने वाले। यानी अब तुम कभी खेलने जाओगे तो लोग उसके बारे में बना देंगे कि तुम फेमस हो, लाइक एवरीबडी विल नाउ मेक देयर रियलिटी नेचुरल ऑर्गेनिक, एक होती है ना, जब बच्चा बस बैठा है, खेल रहा है, पिकनिक गया है, सब खत्म। इन सब जितने बड़े व्लॉगर्स हैं, इनके बच्चे अगर मॉल में जाएं, मैं लिख के दे रहा हूँ, भीड़ हो जाती होगी, तो उसकी रियलिटी सोच यार ना। यार मैं बताऊँ ना, मेरी कॉलेज की दोस्त आई हुई थी, तो मैं उनके साथ ना क्लब चला गया, तो वहां पे ना वो लोग डांस वांस कर रहे थे। तो यहाँ पे नोएडा में तो बहुत लोग पहचानते हैं, मतलब अपनी सारी ऑडियंस ही दिल्ली नोएडा वाली है, बहुत लोग पहचानते हैं अगर बिना मास्क वास्क के निकल जाओ ना भाई। उस क्लब में मैं लड़के साथ डांस नहीं कर पाया, क्योंकि लोग वीडियो भी बना रहे थे, मतलब समझ आ रहा, और मुझे समझ भाई समझ आ रहा था कौन पहचानना कौन नहीं पहचानना। मतलब ऐसा हाल हो गया ना कि वहां पे वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे कर रहे थे ना कि मुझे ऐसा हो गया भाई मैं कैसे करूं, क्योंकि ऐसा भी है ना, लोगों ने नहीं मेरे को वैसे देखा हुआ कि यहाँ क्लब जाता हुआ हाँ डांस करता हाँ है, ट्रू या ट्रू लड़की दोस्त है इसकी। हाँ तो मैंने कहा इनको ये भी अजीब लग रहा, तो मैं बस फिर बैठा ही रहा, मैंने ना किसी के साथ कुछ डांस, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार भैंचो ये फालतू के और लोड़े तू लगे हुए 22 साल का हैं। लौंडा, और तू एक बात हूँ, तू 22 साल में भी फिर भी समझदारी की कोशिश कर रहा है जिंदगी जीने की, और समझदारी से हाँ यू आर अटेम्प्टिंग टू, और सोच अगर ये चीज़ यार 16 साल में हो रही हो, मुझे पंद्रह तो यही साल लगता है कि सोशली तो फेम के डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, आप बहुत भयंकर कभी लेवल पे, कभी अनलेस इंजॉय नहीं कर सकते। अनलेस एक इसका एक्सेप्शन है, अनलेस जो कि सेलिब्रिटी के पास भी होता है और मेरे जैसे क्रिएटर के पास भी होता है, कि विदेश आप, विदेश हाँ, क्योंकि हाँ मेरे को यहाँ कोई नहीं जानता, मैं समझ गया कि विराट कोहली और ये स्वीडन वीडन क्यों फोटो सब डालते सब हैं सब भाई। रहते हैं, सब रहते हैं, तुम्हें नहीं हाँ पता इन क्योंकि सब की, तुम्हें ये हो सकता है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि सिटीजनशिप भी किसी की भी इंडिया में नहीं है। हाँ क्योंकि भाई बैंड्रा में नहीं घूमने, अगर 1-2 मिलियन के यूट्यूबर को विराट नोएडा कोहली तो में, घूम ही नहीं सकता ना, विराट तो इंडिया के मैं किसी कह रहा हूँ कोने में ना, नहीं घूम सकता। 2 मिलियन के यूट्यूबर को अगर मैं बताऊँ, अगर मैं बिना मास्क के निकलूँ हाँ तो मुझे हर आधे घंटे में एक बंदा मिले, अगर मैं मॉल जाऊं तो सेम मुझे हर 5 मिनट में, हर सेम 5 मिनट में एक बंदा सेम मिलेगा। सेम तो और आप ना, आपके लिए तो, आपके लिए तो 2 मिलियन है, उनके लिए तो आप एक हो, वो हर कोई बंदा आपसे 5 मिनट एक्सपेक्ट करता ही करता है, आपका मूड कैसा भी हो, ठीक है।